जिस उम्र में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है, उसी उम्र में पहुंचने के बाद सगे बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला सिंगरौली जिले में सामने आया, जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग को उनके सगे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अब कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर की मदद से बुजुर्ग का ठिकाना शहर के रेन बसेरा में किया गया है। सिंगरौली जिले में शरीर से लाचार एक 90 वर्षीय बुजुर्ग दर दर की ठोकर खा रहा था। मामला सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के संज्ञान में आया तो उन्होंने निगम आयुक्त दया किशन शर्मा को वृद्ध के रहने और खाने का इंतजाम करने के निर्देश दिए, जिस पर निगम आयुक्त ने बुजुर्ग व्यक्ति के ठहरने की व्यवस्था बैड़न स्थित रैन बसेरा में की, जहां निगम के कर्मचारी तैनात रहेंगे जो उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे। आपको बता दें कि इस वृद्ध के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। इसके बावजूद बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार के हालात पैदा ना हो, इसके लिए घर परिवार में सहयोग बनाए रखें। इस दौरान पार्षद हीरालाल सोनी ने निगम आयुक्त के इस कार्य की सराहना की। कोई बुजुर्ग है जो बेसहारा है, उसके परिवार के लोगों ने उसको घर से निकाल दिया है, तो उसको कहीं रहने की व्यवस्था करवाना है, तो यहाँ रैन बसेरा में उसके रहने की व्यवस्था करवाई गई है। ये बहुत ही वयोवृद्ध सम्माननीय है, इनकी उम्र करीब 90 साल होगी, इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मुझे जैसे पता लगा, कलेक्टर साहब ने जैसे निर्देश दिए इनको यहाँ शिफ्ट करने के बाद, मैं इनकी हालात देखने के लिए यहाँ आया था। अब इनको भोजन भी करवा दिया गया है और एक दो जगह चोट की वहाँ पट्टी करवा दी गई है और इनके फीवर के लिए भी दवाई दिलवा दी गई है। अभी ये ठीक हालात में है और यहाँ रैन बसेरा में इनके खाने की व्यवस्था और सारी व्यवस्था रहेगी, इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बस कष्ट यही है कि ये समाज का एक दुखद पहलू है, इनके 3 बच्चे और 1 बेटी होने के बावजूद आज ये इस अवस्था में हैं। अत्यंत ही समाज का ये एक दुखद पहलू, जिसके बारे में कुछ भी कहने योग्य शब्द नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।